Let's go, guys. Look at this beautiful view. आज मैं बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, अभी इस मोमेंट में बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इस सुबह खड़ी हूँ और मैं इतना अच्छा, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। सो ये थर्ड वीडियो है मेरी मनाली सीरीज में एंड ये सुबह का मॉर्निंग व्यू है फ्रॉम द होटल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, कितनी अच्छी फ्रेश एयर थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड सामने ये रिवर थी। सुबह रेडी वेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग नीचे आ गए थे एंड हमें यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा स्टॉल दिखा था, फूड स्टॉल था ये एंड इसका नाम था फास्ट फूड सेंटर। यहाँ पे ये प्यारी सी आंटी थी जिन्होंने हमें बहुत अच्छे मोमोज खिलाए थे। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, बेंचेस डाल रखी थी टेबल्स के साथ एंड पीछे से ये रिवर का फ्लो था। 2019 में गाइस यहाँ पे रिवर का फ्लो इतना अच्छा था इस सेम टाइम पर, बट अब पता नहीं क्यों यहाँ पे पानी जो है उसका फ्लो काफ़ी कम हो गया है। बाई चांस की बात है कि मुझे ये पुरानी फुटेज मिल गई थी 2019 की, जब मैंने अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग किया था। आप देख सकते हैं कितना तेज़ फ्लो था उस टाइम पर पानी का। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जब मैं 2019 में आई थी रिवर क्रॉसिंग किया था एंड अब आप देख सकते हैं कि पानी का फ्लो कितना ही कम हो गया है। एनीवे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट, जो हमारा बेसिक ब्रेड ऑमलेट होता है, वो एंड चिकन मोमोज ऑर्डर कर दिए थे विद द कप ऑफ चाय। गाइस दिस इज सोलांग वैली जहाँ पे सारी की सारी पैराग्लाइडिंग एंड ऑल सब चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम खाली पड़ा हुआ है। सिसु जाने के लिए यहाँ पे कितना जाम लगा है, रीज़न ये है कि आगे बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है जिसके वजह से ब्लैक आइस का प्रॉब्लम हो जाता है, छोटी गाड़ियाँ स्किड कर सकती हैं, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आगे जाना अलाउड नहीं करती है। इसी जाम में कहीं हमारी एक गाड़ी है। इस वेदर में आपको व्यू तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, अगर क्लाउड्स नहीं है, बर्फ पड़ रही है, तो नो डाउट आप लोगों को बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। बट कहते हैं ना, अगर कुछ मैरिट्स है तो कुछ डी मैरिट्स भी है, कुछ अगर बेनिफिट्स है तो कुछ लॉस भी है। बहुत सारे लोग यू टर्न करके जा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से जाम में स्टक है। अभी मैंने जितनी वीडियोस देखी थी खुद सिसु आने से पहले, वहाँ पे किसी भी बंदे ने ये चीज़ नहीं बताया था कि अगर आप सिसु जा रहे हैं इस टाइप का वेदर है तो आप लोग प्री बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी होटल्स जो हैं वो बुक करा रखे हैं उनको जाने के लिए अलाउ किया हुआ है, अदरवाइज जो बाकी कार्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं यहाँ से एंड छोटी गाड़ी को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ईजिली स्किड कर जाती है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये देखिए आगे तक जाम लगा हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा है वहाँ तक जाम लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों की कार्स को रोका हुआ है और पता नहीं आगे कहाँ तक जाम लगा हुआ है। तो बहुत मुश्किल से उस जाम को क्रॉस करने के बाद हम लोग सिसु के लिए रवाना हो गए थे एंड सिसु के लिए हम आगे निकल गए थे। ये वही जगह है जो मेरी पिछली वीडियो पे मैंने अपलोड किया था, हम वापस यहीं से जा रहे थे एंड फाइनली हमें ये अटल जो टनल है इसके दर्शन हो गए थे एंड बहुत स्पीड से हम इसके अंदर घुस गए। अब आगे हम लोग कन्फ्यूज थे, आगे कुछ नहीं पता था कि इस बार क्या वहाँ की जो पुलिस वाले हैं, जो सिक्योरिटी है, वो हमें रोकेगी या नहीं रोकेगी एंड बहुत डर भी लग रहा था। जब हमने ये अटल टनल क्रॉस किया तो धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर से जो कार थी वो स्लो हो गई थी और यहाँ से हमें राइट मुड़ना था, तो हम लोग फिर से डर गए। हमें लगा फिर से कुछ हो रहा है, साइड में गाड़ी रुकी हुई थी एंड हमें पुलिस वालों ने वहाँ पे रोका, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। हमने बताया कि हमारी बुकिंग हो रखी है ऑलरेडी होटल त्रिवेणी में और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं एंड प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो उन्होंने हमारा सब कुछ जो बुकिंग वगैरह थी वो चेक की, सब चेक करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं एंड वी वर सो हैप्पी गाइज। और आप ये व्यू देखिए, ये सिसु के अंदर एंट्री करने के बाद व्यू है। मैं आगे आपको अपनी आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप जो ये व्यू है ना इसका मज़ा अपनी साक्षात आंखों से उठाइए एंड इस व्यू को एंजॉय करिए।
यहाँ पे कंटिन्यूसली धुंध थी और स्नोफॉल हो ही रहा था, रुका ही नहीं था। एक दिन पहले ये यहाँ पे जो शिशु है वो पूरा ड्राई था, यहाँ पे कोई भी मतलब बर्फ़ का एक तिनका नहीं था और अच्छी खासी यहाँ पे जो सनशाइन थी वो थी। बट जिस दिन हम पहुँचे मनाली उसी दिन हमें पता चला कि काफ़ी तेज़ बर्फबारी होनी स्टार्ट हो गई है। दैट वॉज द रीज़न कि डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों का जो शिशु जाना है वो यहाँ की सिक्योरिटी ने कैंसिल कर दिया था। बट जब हम लोग इस बार आए और बुकिंग के साथ आए तो इस बार उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। तो ये चीज़ मुझे तब पता चली कि वैसे तो अब अगर विदाउट बुकिंग के आ रहे हैं मनाली में तो ठीक है, लेकिन अगर आप सिसु में आ रहे हैं और सिसु में बहुत तेज़ बर्फबारी हो रही है ना, तो मेक श्योर कि आप बुकिंग एडवांस में करा लीजिए ताकि जब आप वहाँ पे सिक्योरिटी के पास पहुँचे और वो पूछें आपसे कि आपने कहीं पे बुकिंग कराई हुई है, तो वहाँ पे आप उनको शो कर सके एंड आपका जो टाइम है ना वो बच सके। सो गाइस दिस इज सिसु, आई जस्ट कांट बिलीव इट कि मैं ये जगह इस टाइम पर देख रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है, माय गुडनेस। सो गाइस दिस इज आवर होटल, होटल त्रिवेणी। ये है यहाँ का व्यू, जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, जस्ट अमेजिंग। एंड ये है हम लोगों का रूम, सारे अभी सबके लगेज यहीं पे हैं। दिस इज बेडरूम, ये है सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से भी ये व्यू है। एक ड्रेसिंग टेबल दिया है इन्होंने एंड दिस इज आर बाथरूम, गीजर लगा हुआ है, शार है, इट्स क्वाइट क्लीन एक्चुअली। आई डोंट थिंक कि हम लोगों को जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी सस्ते में आप ऐसी जगह पे आके घूम सकते हैं। बट कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि वो रखने से ही आप भी अभी सक्सेसफुली पहुंच पाएंगे, वरना आपका जो प्लान है वो कैंसिल भी हो सकता है। गाइस हमारे होटल से बाहर निकलते देखिए कितनी ज्यादा बर्फ जमी पड़ी है यहाँ पे। बता नहीं सकती कितना सुंदर व्यू है, जब से फोन निकला है ना तब से कैमरा खच 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 चालू, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की फोटो ना लूं क्योंकि सब चीजें इतनी मेसमराइजिंग है, मतलब आई कांट बिलीव इट कि मैं यहाँ खड़ी हूँ यार और इस टाइप की जगह एग्जिस्ट करती है। सभी अभी यहाँ पे सामने लैंडस्लाइड हुई है हल्की सी और हम सभी हवा टाइट हो गई है, तो ये डिसाइड हो रहा है कि जल्दी से भाग के इसको क्रॉस कर लेते हैं। जब इतनी ठंडी जगह होती है ना तो सांस अपने आप इतनी ज़्यादा फूलने लग जाती है। अब भाई दिल्ली से है ना, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। खाने पीने के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्रोसॉन पेस्ट्रीज शॉप काफ़ी कुछ है यहाँ पे। यहीं कहीं जमा हुआ था सिसु वाटरफॉल और हमें वो ढंग से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं आपको ढंग से दिखा भी नहीं पाई हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लेक है वो नीचे पूरी जमी पड़ी है।
एंड भूख लगने लग गई थी हम लोगों को काफ़ी तेज की, तो ये थोड़ी सी दूर पे ही हमें एक स्टॉल दिखा था जहाँ पे हम लोगों ने ये चाउमीन ऑर्डर करी थी। नॉर्मल से वेजिटेबल चाउमीन थी, अच्छी थी। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने ये ऑमलेट ऑर्डर कर दिया था। हम लोग काफ़ी थक गए थे तो हम लोगों ने होटल में आके ये खाना ऑर्डर कर दिया था, डिनर ऑर्डर कर दिया था, जो कि थी दाल मखनी और कढ़ाई पनीर। तो इसको खा के हम लोग सो गए थे गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका जो पार्ट 4 है वो भी आने वाला है। ये एंड में कुछ पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने सीसो में क्लिक की थी, एंड आई होप यू गाइस विल एंजॉय दीज पिक्चर्स ऑल्सो। सो या नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ वेट करेगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड नोटिफिकेशन बेल पे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो या शॉर्ट्स आते हैं तो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें।